स्टूडेंट ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में तो मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है ठीक है इसलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ला रहा हूँ यानी कि ला नहीं रहा हूँ आ गई है यही इसी वीडियो में आपको मैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ठीक है कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल करने आपको ज्यादा और कहाँ पे हमें थ्योरी पे ध्यान देना है तो इस वीडियो में पूरा आपका क्लियर होने वाला है डाउट तो वीडियो में को शुरू करते तो मैंने क्वेश्चन जो है सारे लिख लिए तो वीडियो को एंड तक देखना और आपको ये वीडियो लगे कि हाँ नॉलेजेबल वीडियो है आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मीन्स आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए ला सकूँ तो इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं यूनिट वन सबसे पहले नंबर यूनिट वन से देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं डिफाइन वाइब्रेशन एंड दे आर कॉज्ड एंड मेन कॉजे ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेशन क्या होता है इसके मेन कॉजेज कौन कौन से वाइब्रेशन के और वाइब्रेशन होता कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है इस क्वेश्चन के आने के चांसेस फिफ्टी परसेंट मतलब है इसका सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म आपको पता होनी चाहिए इसमें आपको क्या हो सकता है कि यहाँ पर टू टू मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है फ्री वाइब्रेशन क्या होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है अनडैम्ड वाइब्रेशन क्या होता है और लॉन्गिट्यूटनल ट्रांसबर्स टोशनल मतलब टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के अंदर ही ये सारी टर्मोलॉजीज़ आती हैं इसके बाद एक चीज और आपको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम

वाइब्रेशन सिस्टम जो है कितने एलिमेंट मतलब वेरियस एलिमेंट ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम किसी भी वाइब्रेशन सिस्टम के एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है ठीक है डिराइव द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए कंपाउंड पेंड्यूलम एक इक्वेशन होती है ठीक है किसकी कंपाउंड पेंड्यूलम की हमें उसकी फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड करना है डिराइव करना है ठीक है ये डेरिवेशन है एक्सप्लेन मेथड यूज टू डिटरमाइन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अनडेम्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम ये क्वेश्चन भी आपको करना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है उसके अलावा देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोमेकेनिकल वाइब्रेशन में क्वेश्चन ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इन तीन से तो न्यूमेरिकल करने हैं ज़्यादातर एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही फोर्थ यूनिट से मैं आपको आगे बताऊंगा अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट में फोर्थ यूनिट में और फिफ्थ यूनिट में हमें न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा ना जाके हमें थ्योरी कवर करना है क्योंकि हम वहाँ से भी मार्क्स को गेन कर सकते हैं अब मैं बढ़ता हूँ हमारे सेकेंड यूनिट तो सेकेंड यूनिट में देखिए क्या डिफरेंस बिटवीन गुलाम एंड विस्कस डैम्पिंग ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डैम्पिंग अगर आप वेरियस टाइप ऑफ डैम्पिंग यहाँ पे क्या करना है हमें डिफाइन करना है उसको एक्सप्लेन करना है वॉट इज़ क्रिटिकल डैम्पिंग एंड कॉफिशियंट ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग एंड वॉट इज़ इट्स इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर क्रिटिकल डैम्पिंग उसका कॉफिशियंट क्या होता है उसके इम्पॉर्टेंस का यह क्वेश्चन को करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तीन आपको मैंने बताया वाट डू अंडरस्टैंड बाय अंडर डैम सिस्टम ओवर डैम सिस्टम एंड क्रिटिकली डैम सिस्टम एक्सप्लेन आप ओवर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम इन तीनों सिस्टम से आप क्या समझते हैं आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी ये टॉपिक बोलने में बहुत बड़ा सा है बट बहुत ही ईजी टॉपिक शो दैट विस्कस ड लॉस फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आपको इसके लिए डायरिवेशन होगा उसको सॉल्व करना है ठीक है कौन सा था फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं एक्सप्लेन लॉगर्थम डिक्रीमेंट एंड इट इज यूज लॉगर्थमिक डिक्रीमेंट आपको क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है और इसका यूज क्या है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल तो यहाँ पे छह क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सेकेंड यूनिट में थर्ड यूनिट में हम आते हैं देखते हैं थर्ड यूनिट थोड़ी छोटी सी है ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं थर्ड यूनिट थोड़ा छोटा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट कैरिंग मल्टीपल डिस्क मल्टीपल डिस्क के लिए आपको यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड निकालनी है ठीक है उसका एक्सप्रेशन को फाइंड करना है सेकेंड डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ रेलिंग ऑफ ए लाइट फ्लेक्सीबल शाफ्ट विथ एंड अनबैलेंस डिस्क एट देंटर ऑफ इट्स लेंथ विथ एंड विथाउट डंपिंग और के साथ और बिना डैम्पिंग के हमें इक्वेशन करनी किसकी ड्रिलिंग ऑफ शाफ्ट की ठीक है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिटिकल और रिलिंग और वाइपिंग स्पीड यानी कि क्रिटिकल स्पीड क्या होती है या फिर रिलिंग स्पीड क्या होती है शॉर्ट नॉट उसके बाद शॉर्ट नोट के अंदर सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड क्या होती है मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है ट्रांसमिजिलिटी रेशियो क्या होता है इन चार के ऊपर आपको शॉर्ट नोट करने और

भी ये भी थोड़ी छोटी सी यूनिट यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं। इक्वेशन एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड second मोड ऑफ वाइब्रेशन ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ये थोड़ा सा टफ यूनिट है छोटा है बट टफ यूनिट इसमें आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है किसके लिए टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए और उसकी फ्रिक्वेंसी इक्वेशन एक आती है वो आप जब सॉल्व करेंगे आपको लिखा रहेगा फ्रिक्वेंसी इक्वेशन उसे क्यों कहते हैं पहले तो हमें फ्रिक्वेंसी इक्वेशन फाइंड करनी है उसे फ्रिकवेंसी इक्वेशन क्या करना है उसका फर्स्ट एंड सेकेंड मोड जो है इक्वेशन निकालेंगे उसका फर्स्ट एंड सेकेंड मोड हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसका सेकेंड आता है व्हाट इज मीन बाई प्रिंसिपल और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये थोड़ा सिंपल सा टॉपिक फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड के बाद ये क्या है हमारा प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन और नॉर्मल मोड ठीक है ये छोटा टॉपिक वट डू understand बाई सेमी डेफिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमी डेफिनेट सिस्टम से आप क्या समझते हैं उसका फोर्थ वट डू एंडरस्टैंड बाय कॉर्डिनेट कपलिंग ऑल्सो डिस्कस स्टेटिक एंड डनेमिक कपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंड बाई क्या आप समझते हैं कॉर्डिनेट कपलिंग क्या होती है और उसमें क्या डिस्कस करना है हमें डैम यानी कि डायनेमिक और स्टेटिक कपलिंग और यहाँ पे शॉर्ट नोट किसके ऊपर करना है डायनेमिक वाइब्रेशन ऑब्जॉर्वर और टोशनल वाइब्रेशन ऑब्जॉर्वर ये शॉर्ट नोट करने तो पांच क्वेश्चन हमें यूनिट से अब आते हैं हम यूनिट नॉइस से नॉइज से रिलेटेड जो है यहाँ पर हमें मेनली जो है यूनिट फाइव क्वेश्चन क्या होगा कि हमें पे पे ज़्यादा कंसनट्रेट करने की जरूरत है क्यों क्योंकि तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मुझे तो नहीं लगता है कि सेवन मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछेगा बहुत कम यहाँ पे क्या होता है कि फोर क्वेश्चन दिए जाते हैं यानी फाइव या सिक्स दिए जाते हैं उसमें से आपको फोर करने पड़ते हैं ठीक है तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ इस यूनिट से राइट शॉर्ट नोट ऑन देखिए किस किस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है सबसे पहले डेसिबल स्केल सेकेंड साउंड स्पेक्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भले ही छोटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेसिबल स्केल साउंड स्पेक्ट्रा ऑक्टिव बैंड एनालिसिस ऑक्टिव बैंड एनालिसिस के अंदर हमें दो हैं वन थर्ड और ऑक्टिव बैंड यानी कि वन ऑक्टिव बैंड और वन थर्ड ऑक्टिव बैंड ये दो करने हमें ऑडिटोरी इफेक्ट ऑफ नॉइज मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज ठीक है नॉइज़ स्टैंडर्ड एंड लिमिट ये हमारे क्या हैं यहाँ पर इनके ऊपर शॉर्ट नोट करने और मैं आपको बता रहा हूँ इतने करने उसके बाद इंडस्ट्रियल नॉइज़ कंट्रोल नॉइज़ कंट्रोल टेक्निक्स साउंड बेरियर एंड यूज इन नॉइज कंट्रोल एयर डिफेंडर एंड एयर प्लग्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये कितने सारे मैंने आपको बता दिए हैं और एक और ये तो आपके किस में करने आपके शॉर्ट नोट में करने शॉर्ट नोट में और भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एस पी एल एसपीएल क्या होता है एसपीएल साउंड प्रेशर लेवल इसकी डेफिनेशन साउंड पावर लेवल की डेफिनेशन साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन ये सब की डेफिनेशन करनी है अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन बता देता हूँ डेफिनेशन इसमें आपको सारी मैंने कवर करवा दी अब मैं इसको आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस छोटे छोटे क्वेश्चन पर करनी है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एस पी एल साउंड प्रेशर लेवल एंड साउंड पावर लेवल ठीक है उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन साउंड पावर लेवल एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल ये दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट ही करने ही करने उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सप्लेन द टर्म लाउडनेस लाउडनेस क्या होता है हाउ डज इट वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होती है हाउ इट्स वेरिएशन इज टेकन इन टू अकाउंट इन द सब्जेक्टिव असेसमेंट ये क्वेश्चन हमें करने तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगे ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाए क्योंकि बहुत टफ हो रहा था सिलेक्ट करना क्वेश्चन को बहुत मेहनत से मैंने जोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनाए बिल्कुल तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होगा और समझ में आए तो पहले भी कह चुका हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में अपने चैनल पे लेके आता हूँ ठीक है तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं मिलते रह सी नेक्स्ट वीडियो के साथ मेक इजी लर्न इजी